हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के डेमो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नट और बोल्ट बनाना कैसे है। आप जानते हैं बोल्ट कैसा होता है। बोल्ट हमारा लेंथ में लंबा होता है विद कंपैरिजन टू नट। तो ये हमारा एक बोल्ट है और ये हेक्सागोनल बोल्ट है। आप इसके टॉप पर देख सकते हैं, ये हम टॉप भी देख रहे हैं, टॉप पर देख सकते हैं आपको एक सर्कल दिख रहा है। ये सर्कल इस अभी हमें हेक्सागन दिख रहा है और हेक्सागन पर ये सर्कल इसकी हर टेंजेंट को टच कर रहा है और ये लेंथ में लभी लंबा है। ये है नट, ये छोटा है उससे, और इसके भी इसमें भी हमें एक हेक्सागन दिख रहा है और एक सर्कल दिख रहा है जो इसकी हर साइड को टच कर रहा है। तो हमें भी यही बनाना है। हम बनाएंगे कैसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विथ अक्रॉस दी फ्लैट्स। तो अभी मैं हेक्सागन बनाऊंगा तो आप उसमें मैं उसको समझा दूंगा कि वो है क्या। सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे एक लाइन खींच देनी है यहाँ पर। मैंने 60 mm की एक लाइन खींची है, उसका सेंटर भी कर लिया है। मुझे इसकी सेंटर लाइन खींचनी है। मेरी सेंटर लाइन, मुझे एक हेक्सागन बनाने के लिए एक सर्कल खींचना पड़ेगा, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था आपको 30 mm का। अब मुझे इसकी आर्क लगानी है, पॉइंट से कट करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। हेक्सागन तो मैं पहले भी बता चुका था आपको, ऐसे ही बनाना है। सिंपल मेथड है ये, आप इसकी लाइनों को मिला दो। ऐसे यहाँ पर इन लाइनों को भी मिला देना है मुझे। आप देखेंगे मेरा एक हेक्सागन तैयार हो गया और इसकी हर साइड 30 mm की होगी, जैसे कि मैं बता रहा था। अब इसको प्रोजेक्ट कर देना है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। इसके हर पॉइंट को मैं ऊपर प्रोजेक्ट कर ले रहा हूं। जैसे मैंने अभी किया, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है यहाँ पर। अब देखो विड्थ अक्रॉस द फ्लैट्स होता क्या है। फ्लैट्स मतलब ये, इसके यहां तक का आपको डिस्टेंस नाप लेना है और वो डिस्टेंस कितना होता है, 1.5D प्लस 3। मैंने D क्या लिया है, D मेरा 30 है, मतलब यहां से यहां हमारा D होता क्या है, हमारा D होता है यहां से यहां तक की दूरी। D मतलब डायमीटर, कैपिटल D से डिनोट करते हैं इसको। और ये डायमीटर किसका है, ये हमारे नट का डायमीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक। तो ये मेरा है 30, मैंने आपको पहले बताया था D मेरा 30 है। और ये कितना है, ये हमेशा हमारा D by 2 होता है, दैट मींस ये हमारा 15 होगा, 15। तो ये हमारा 15 ही है। इसकी भी सेंटर लाइन खींच देते हैं, 15 मतलब 7.5। मैं इसकी सेंटर लाइन खींच देता हूँ, इसकी भी ऐसे ही सेंटर लाइन खींच दे रहा हूं। मैंने सेंटर लाइन खींच दी। अभी मुझे क्या करना है, मुझे चैम्फरिंग वाला सर्कल बनाना पड़ेगा। तो चैम्फरिंग वाले सर्कल के लिए मुझे यहां से यहां तक, ध्यान रखना हमेशा, यहां से यहां तक का आपको आर्क खोलना है। ये लाइन आप देख रहे हो, ये फ्लैट्स की लाइन है, यहां तक आर्क खोलना है क्योंकि इसी से टेंजेंट होते हुए, इसी से चतुर्भुज में एक सर्कल खींचना है। मैं खींच देता हूं,
तो ये जो हमारा सर्कल है ये हमारा चैम्फरिंग का सर्कल है, दैट मीन्स यहाँ से कॉर्नर आपके झुके हुए, तो झुके कितने एंगल पे वो अभी मैं करूंगा। अब मुझे इसका भी प्रोजेक्शन करना है, ऊपर प्रोजेक्ट करना है ऐसे यहां से, तो आपको यहां से इस सर्कल का प्रोजेक्शन लेना है ऊपर तक, जैसे मैंने ले लिया है यहां से। अब आपको 30 डिग्री एंगल नापना है, अब आपको 30 पे मार्क कर देना, ठीक है, ऐसे यहां पर, अब इन लाइनों को मिला देना, ठीक है, ऐसे इस लाइन को मिला देना। स्टेप्स को याद रखना, बस सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 30, ठीक है। ये एंगल है 30। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लाइन को बाइसेक्ट करना है, तो मैं आपको पता ही बाइसेक्ट कैसे करते हैं, यहां से कितना भी एंगल आप ले लो उसको, जैसे कि मैं कर रहा हूं यहां से, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही यहां से, ऐसे नीचे से, ध्यान रखना मैं कर कैसे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को, मुझे अब मुझे इन लाइनों को मिला देना। अब जो सेंटर लाइन को जी जो लाइन काटेगी जहां से, वहां से मुझे आर्क लगाना है, जैसे कि मैंने यहां से इसको मिला देना है, ऐसे यहां से इसको मिला देना है। तो मैंने देखा कि यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट मिल गए हैं जहां से मुझे आर्क लगानी है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब मैं आर्क लगा बता देता हूं आपको, ये आर्क लगती नहीं है, बहुत छोटी आर्क होती है ये, तो आपको लगाना है, लेकिन ये कि हमारा बोल्ट बन रहा है ऐसे यहां से, ठीक है। अब जो यहां वाली आर्क लगानी है वो हमें दी हुई होती है हेक्सागन, हेक्सागनल नट में हमारी ये वाली आर्क जो होती है वो हमारी 1.2D होती है। D मैंने 30 ले रखा है, तो मैंने 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 36 आ रहा है, तो 36 मैंने अभी मार्क कर लिया इसमें, तो 36 यहां से सेंटर से यहां से, ओके, तो मैं यहां से इसको आर्क लगाता हूं, दैट मींस ये जो मेरा पॉइंट आया और ये पॉइंट आया, तो ये मेरा एक नट तैयार हो गया है, हेक्सागोनल नट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चैम्फरिंग वाली आर्क लगाना, बस इसमें यही टफ है। अब हम इसमें थ्रेड के लिए एक सर्कल और बना देते हैं, ये हमारी थ्रेड है, क्योंकि थ्रेड की भी कुछ डेप्थ होती है, और वही मैं बना रहा हूँ, इसका भी प्रोजेक्ट कर देंगे ऊपर नीचे तक ऐसे, और मैंने सर्कल बना दिया, एक और सर्कल बनाना है, ये मेरा थ्रेड की सर्कल है, ठीक है, थ्रेड की भी कुछ डेप्थ होती है, इसलिए
जब मैं थ्रेड बनाऊंगा तब आपको जरूर बताऊंगा, बट ये थ्रेड के लिए सर्कल छोड़े जाते हैं और ये ऐसे, ठीक है।